हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पेंटिंग्स के बारे में ही है कि पेंटिंग्स के थ्रू हम 1857 की क्रांति को कैसे डिडक्ट करें, कैसे और जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं उधर से देखें। ठीक है, हिस्ट्री में हमेशा याद रखिए कि मल्टीपल एंगल से देखना बहुत जरूरी है कि मतलब पिक्चर्स ने ये कहा, बुक्स ने ये कहा, उसके बाद जो ओरल रिकॉर्ड थे, ओरल मतलब कहे हुए रिकॉर्ड्स है ना, जिसका वैल्यू वैसे तो थोड़ी कम होती है हिस्ट्री में क्योंकि कहीं भी बातें कुछ भी हो सकती हैं और वो बातें काफी चेंज होती रहती है, लेकिन ये भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। ठीक है, इन सब ये सब मल्टी मल्टीपल सोर्सेज है दोस्तों, इमेजेस, ओरल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, तो हमने देखा ये किताबों वगैरह में लिटरेरी सोर्सेज भी फर्दर डिवाइडेड है, ऑटोबायोग्राफी हो गई, उसके बाद आप देखो तो न्यूज पेपर हो गए, है ना, तो ये सब चीजें हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेंटिंग्स, पेंट जो हमारा टॉपिक है, ये फिफ्थ जो टॉपिक है 5.2 के अंदर देखिए, तो इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। इस टॉपिक को दोस्तों मैं समझाने के लिए आपको ये समझाना चाहूंगा कि हम पैट्रियार्कियल सोसाइटी है हमारी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही अगर दुनिया को मानो कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एंड अनफॉर्चुनेटली वुमेन को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से मतलब यहाँ देखते हैं। डिफरेंट एंगल से कहने का मतलब है कि जैसे जब यूएसए ने युद्ध लड़ा अफगानिस्तान से, है ना, 2001 में, तो जॉर्ज बुश ने बोला कि हम अफगानिस्तान की फीमेल्स को अफगानिस्तान के मेल्स से बचाना चाहते हैं, मतलब अफगानिस्तान की औरतों को अफगानिस्तान के मर्दों से बचाना चाहते हैं। अब बताओ यूएसए डिटरमाइन करने वाला कौन होता है ये चीज। ऐसे ही आप काफी और पर्सपेक्टिव भी देखो, एक दो रिलीजन्स की भी जब वॉर देखो, है ना, किसी रिलीजन की या हिस्ट्री खोल के देखोगे, आप अनफॉर्चुनेटली ये देखेंगे कि एक पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा कि हम इनकी वुमेन को, मतलब ये एक कैटेगरी मान ली और बोला कि उनकी वुमेन को उनके मैन से बचाना चाहते हैं, तो ऐसे एक जज किया जाता है। एंड हमेशा हर सोसाइटी में वुमेन को एक इज्जत के साथ देखा जाता है, मतलब ये देखा जाता है कि हमारी इज्जत जो है वो एक वुमेन पे डिपेंडेंट है, उसके ऑनर पे डिपेंडेंट है, ये फैमिलीज भी मानती हैं और ये कल्चर भी मानता है, सोसाइटी भी मानता है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड्स आपको दिख रहा है, मैंने इतनी स्टोरी बताई आपको, मतलब देखो क्या लगा, स्टोरी बताने का पर्पस ये है कि यहाँ टॉपिक है इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन, मतलब वुमेन से पूरे के पूरे ब्रिटेन का ऑनर दाव पे लगा हुआ है। क्या समझे आप, समझ गए ना पॉइंट, तो राइट। हाँ, सोसाइटी अब वैसे तो थोड़ी चेंज हो रही है, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी काफी फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन उस टाइम में 19वीं सदी की बात है, वहाँ सोसाइटी काफी बैकवर्ड लुकिंग थी। ठीक है, तो वहाँ पे पब्लिक इमेजिनेशन ड्रॉ करने की कोशिश की गई कि हमारी वुमेन की इज्जत खतरे में है, राइट, हमारी वुमेन की इज्जत खतरे में है। जैसे आज भी आप देखो तो न्यूज़पेपर वगैरह खोलो तो कोई हमारे भी आप न्यूज़पेपर वगैरह खोले तो आपको दिखेगा हमारे धर्म के नाम पे कि हमारी वुमेन की इज्जत खतरे में है बिकॉज ऑफ दिस रिलीजन, है ना, इसलिए हमें अपनी वुमेन को बचाना पड़ेगा, ऐसे आप न्यूज पेपर में पढ़ते रहते हो कि न्यूज, तो वैसे ही उससे आप रिलेट ऐसे कर सकते हो इन टॉपिक्स में, राइट। तो इसकी पर्सपेक्टिव क्या होता है, इससे गुस्सा जाता है, गुस्सा आपको दिख रहा है ना, आप फॉर एग्जांपल एक एक्स रिलीजन के हो, आज के पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं, आप एक्स रिलीजन के हो और आपसे बोला जाए कि आपकी वुमेन को खतरा है फ्रॉम वाई रिलीजन मैन, आपकी जो वुमेन है उनको खतरा है फ्रॉम वाई रिलीजन मैन, तो आप में दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा दौड़ेगा टुवर्ड्स वाई। यही इंडिया और पाकिस्तान के, जब इंडिया पाकिस्तान में जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो इसका बहुत ज्यादा अंजाम वुमेन को भुगतना पड़ा था, फ्रॉम मैन ऑफ इंडिया फ्रॉम मैन ऑफ पाकिस्तान, राइट। ये भी आपने अगर पार्टीशन के बारे में पढ़ा हो तो फिर हम वहां पे देख सकते हैं ये चीजें, राइट। तो यही इससे होता क्या, गुस्सा जागता है। अब गुस्सा जागने से दोस्तों क्या होगा, गुस्सा जागने से ये होगा कि ब्रिटिश पब्लिक जो होगी वो गवर्नमेंट से ही बोलेगी कि जाओ इंडियन मैन को अच्छे से सबक सिखाओ, उनको पूरा का पूरे गांव को जला दो। अब इसमें अगर ब्रिटिश मैन इंडियन वुमेन के साथ भी कुछ गलत करेंगे तो वहां की पब्लिक उसे जस्टिफाई करेगी कि हाँ उन्होंने हमारे साथ गलत करा था, उनके साथ भी गलत हुआ तो कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, ये एक पूरा एंगल है जो आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब आई होप इतना समझाने के बाद आपको ये जो लिखा हुआ है सब समझ में आराम से आ जाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ इनोसेंट वुमेन एंड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ हेल्पलेस चिल्ड्रन,
वर्ड देख रहे हो आप, इनोसेंट वुमेन एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन. आर्टिस्ट एक्सप्रेस एज वेल एज शेप दीज सेंटीमेंट थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन. तो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने भी आप कह सकते हो आंख में घी डालने वाला काम करा और पिक्चर्स ऐसी ऐसी बनाई कि एक चिंताजनक स्थिति जा गई, ठीक है, ब्रिटिश में. और काफी कुछ दोस्तों, एक भी ये मैं आपको बताता रहा हूँ, काफी कुछ हुआ भी था एक्चुअली. अनफॉर्चुनेट जब 1857 में युद्ध स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स को खूब पूरी तरीके से मारा गया था. एंड आप वहां समझ ही सकते हो कि जो उनकी वुमेन और चिल्ड्रन होंगे उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया गया होगा बाय आर इंडियन रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो. तो आयो वो पॉइंट आप समझ सकते हो, और वो यहाँ पे उसका आप दिखेगा कि वही पर्सपेक्टिव थोड़ा दिखाया है और उसको थोड़ा सा और बड़ा चला के दिखा दिया है ना. चलिए देखते हैं. इन मेमोरियम, ये आपको वर्ड याद रखना है, 12वीं क्लास के स्पेशल स्टूडेंट्स. इट वॉज पेंटेड बाय होम, ये भी वर्ड आपको याद रखना है, जोसेफ नोल पैटर्न. 2 years after the mutiny, 2 साल after the mutiny जगा रहे हैं, ठीक है, मतलब mutiny के बाद, जिससे उसके बाद भी अंग्रेजों ने खूब पिटाई धुलाई करी थी भारतीय revolutionaries की, right? You can see an English woman and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable कि dishonor होगा, dishonor का आयोग आप समझ सकते हैं, violence होगी, death होगी, right? तो एक देखिए इमेज क्रिएट की जा रही है. अब आप लोग को मैं इमेज भी साथ साथ दिखाऊंगा नीचे, यहाँ नीचे ये आप इमेज देखिए दोस्तों, है ना, ये इमेज है, देखिए यहाँ देखो ये वुमेन है, कितनी तकलीफ में है, छोटे उनके पास बच्चे भी हैं, हाथ में बाइबल है उनके दोस्तों, है ना, हाथ में ये बाइबल, ठीक है. और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहाँ पे मिस नहीं करनी दोस्तों, वो ये है कि अब ब्रिटिश सोल्जर्स आ गए हैं उनको बचाने, ठीक है, तो ये ब्रिटिश सोल्जर्स बचाने आ गए हैं, ठीक है, और अब ये वुमेन बच जाएंगे, ठीक है. ये पेंटिंग है इन मेमोरियम की बाय जोसेफ नोल पैटन 1859. तो इस पेंटिंग को आप दोनों पर्सपेक्टिव से दोस्तों समझे, जो मैं हमेशा से आपको बताते आए हूँ, अपना माइंड बिल्कुल ओपन रखें, आप इसको फ्रॉम ब्रिटिश पर्सपेक्टिव भी समझे और इस फोटो को आप इंग्लिश पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव से. इन द बैकग्राउंड यू कैन सी ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेस अराइविंग एज सेवियर्स, बचाने आ गए हैं, ठीक है. इन मेमोरियम इसका नाम है, ठीक है दोस्तों, जोसेफ की पेंटिंग है. जोसेफ का पूरा नाम नोल पैटर्न, थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, नोल पैटर्न है ना, शायद याद ना रहे तो याद करने की पूरी कोशिश करना. तो ये देख रहे हो, ये पेंटिंग से आपको देख ही सकते हो कि जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक समझाया वो गुस्से की भावना चाहती है ना, गुस्से की भावना चाहती है. एक और पेंटिंग दोस्तों बनाई, एक और पेंटिंग बनाई, ये मिस व्हीलर है जो डिफेंड कर रही है अगेंस्ट द सिपॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये एक और पेंटिंग बनाई दोस्तों. तो रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग हमने बनाई, ये तो है ही, साथ साथ अंग्रेजों ने भी पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है. अब इसको पढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं, ठीक है. इन अनदर सेट ऑफ स्केचेस एंड पेंटिंग्स वी सी वुमेन इन अ डिफरेंट लाइट, दे अपीयर हीरोइक डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ रिबेल. मिस व्हीलर जो हमने पेंटिंग ऊपर देखी, स्टैंड फॉर्मली एट द सेंटर, अपना ऑनर बचा रही है, वो सिंगल हैंडेडली सब रिबेल्स को मार दे रही है, ठीक है दोस्तों. और इट इज also the battle to save the honor of Christianity, the book lying on the floor is the Bible. यहाँ एक और चीज आपको देखना बिल्कुल बहुत जरूरी है, वो हम यहाँ ऊपर देखते हैं. तो देखो साथ साथ में देखो कार्ड, ये जो धर्म का कार्ड है ये पुराने टाइम से चला आ रहा है. देखो रिबेल्स की भी पिटाई हो रही है, साथ साथ में क्रिश अपनी बाइबल भी बचा रही है. तो दोस्तों आज भी आप पॉलिटिक्स देखो, धर्म के नाम पे सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, और अनफॉर्चुनेटली इंसान इंसान से लड़ाया जा रहा है. तो पेंटिंग्स में भी वही विजुअल दिखाया जाता है थोड़ा सा, कि देखो यार हम जो है अपने धर्म को बचा रहे हैं, हम जो है अपने रिबेल्स को भी मार रहे हैं. ये हमारी एक लेडी है जो मिस व्हीलर है जो हमको बचा रही है दोस्तों, ठीक है. तो अंग्रेज अंग्रेज का देखोगे तो वो बहुत खुश है, मैं ब्रिटिशर बन जाता हूँ, ठीक है, और मैं ब्रिटिशर अगर हूँ तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि देखो मेरा धर्म भी बच गया, साथ साथ ये वुमेन मेरी इतनी स्ट्रांग है कि इसने अपने आप को भी सेव करा और सारे रिबेल्स को भी मार दिया, ठीक है, कानपुर में. ठीक, कानपुर में एक्चुअली ब्रिटिशर्स के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है. लेकिन इंग्लिश पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये वी आर नॉट श्योर कि ये कितना ट्रुथ है, टू बी ऑनेस्ट, है ना, हम क्योंकि सोर्सेज अवेलेबल नहीं है इस पे इतने ज्यादा, तो वी आर नॉट श्योर कि ये कितना ट्रुथ है और क्या है इसमें, ठीक है. तो ये हमने दोस्तों पढ़ा इस चीज के बारे में. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहा हूँ दोस्तों, वो है वेंजेंस एंड रेट्रीब्यूशन. वेंजेंस मतलब रेट्रीब्यूशन,
गुस्से का बदला लिया जाएगा। As waves of anger and shock spread in Britain, demands for retribution grew louder. ऐसी फोटो और दोस्तों आ जाए तो सबको गुस्सा आएगा, है ना? Just imagine, किसी को भी गुस्सा आएगा, है ना? और एक चीज आपको साथ साथ याद रखनी चाहिए, ऐसी फोटोज कभी आए फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम्स में, तो हमेशा उसका सोर्स थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए, क्या वो कितने ट्रुथ हैं, ठीक है? जैसे आजकल तालिबान वगैरह की चीजें चल रही है, अफगानिस्तान में काफी कुछ चल रहा है, कुछ भी फोटोज आ रही है ना, ऐसी किसी भी रीजन से कुछ भी फोटोज आती रहती है जब इलेक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, थोड़ा सा ट्रुथ उसका देखना बहुत जरूरी होता है कि कितना ट्रुथ है, क्या है। कुछ भी फोटोज कहीं की भी जोड़ के न्यूज पेपर में छाप देते हैं या न्यूज चैनल वाले दिखाते रहते हैं, उसमें हमारा एक एंगर जाग जाता है ना, जो एंगर हमारा को गलत काम भी करवा देता है। तो हमें भी ये फोटोज हमेशा आज भी ध्यान रखनी चाहिए, तो हिस्ट्री से हमें लेसन लर्न करते रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखो दोस्तों कि ब्रिटिशर्स के साथ बुरा हुआ था, ठीक है? ब्रिटिशर्स के साथ बुरा हुआ था जब 1857 में रिबेल्स ने उनकी पिटाई करी, उसके बाद जो था रिबेलियन को दबा दिया गया, जो जो लोग थे उन सबको मार दिया गया, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स ने काफी कुछ सोल्जर्स को फांसी चढ़ाई, जो जो युद्ध में इन्वॉल्व थे, जो जो रिवॉल्ट में इन्वॉल्व थे उनको भी फांसी चढ़ाई, है ना? ये सब चीजें हुई। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स जो थे वो पब्लिक सेंटीमेंट अपने साथ रखना चाहते थे, ये मैं चीज बार बार याद दिला रहा हूँ, उसके लिए ये सब चीजें क्रिएट की गई है ना, पब्लिक सेंटिमेंट की, हाँ ब्रिटिश सपोर्ट करें, राइट? क्योंकि देखिए वोटिंग वगैरह वहां पे हुआ करती थी, याद रखो इस चीज को, ब्रिटेन में इस टाइम भी वोटिंग वगैरह हुआ करती थी, तो पार्लियामेंट से सारे चीजें सैंक्शन होके आ रही है ब्रिटेन पार्लियामेंट से, ठीक है दोस्तों? ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इस टाइम पे। यहाँ पे काफी सारे एक्ट पास हो गए थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारे चार्टर के टाइम के, 1832 का एक एक्ट था ब्रिटेन में, है ना, वो भी पास हुआ था 1832 का, तो चार्टर राइट्स के भी काफी सारे एक्ट पास हुए थे, तो ब्रिटेन में पूरा पार्लियामेंट वगैरह डेमोक्रेसी वगैरह चलती थी, तो लोगों का सेंटीमेंट बहुत जरूरी होता था, ठीक है? लोगों का कौन से लोगों का, देखो राइट टू वोट सबके पास नहीं था, लोगों का जो जो न्यूज पेपर थे थोड़े अमीर लोग हैं ना उन सबका, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा है। तो लोगों का सेंटीमेंट अपने साथ रखने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं, राइट? इट वॉज एज इफ जस्टिस डिमांडेड दैट द चैलेंज टू ब्रिटिश ऑनर एंड पावर बी मेट रूथलेसली, रूथलेसली ट्रीट करो, ऐसे छोटे ऐसे मत छोड़ना इनको। इन वन सच इमेज वी सी एन एलेगोरिकल फीमेल फिगर ऑफ जस्टिस विद अ स्वॉर्ड इन वन एंड एंड अ शील्ड इन द अदर, और इनका आपको पोस्टर जो है काफी एग्रेसिव लगेगा, यहाँ पे देखो दोस्तों, ठीक है? ये देखो एक वुमन है ना, तो ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाई है कि ये अच्छे से बदला ले रही है, वेंजेंस, बदला, रेट्रीब्यूशन, छोड़ूंगी नहीं मैं, है ना? तो जस्टिस पंच 12 सितंबर 1857 की पिक्चर है, द कैप्शन एट द बॉटम रीड्स, ये कैप्शन जो है ना इसके बारे में, द न्यूज ऑफ द टेरिबल मसाकर एट कानपुर प्रोड्यूस्ड एन आउटबर्स्ट ऑफ फियरी इंडिग्नेशन एंड अ वाइल्ड डिजायर फॉर रिवेंज थ्रू आउट द होल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? तो कानपुर में मैंने जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ कि कानपुर में खूब धुलाई करी थी ब्रिटिशर्स की जब 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, और खूब धुलाई हुई थी, खूब मारे गए थे ब्रिटिशर्स, है ना? अवध वगैरह रीजन में पहले क्लियर कर चुका, खूब पिटाई हुई थी, खूब धुलाई हुई थी, दिल्ली में भी खबकी हुई थी पिटाई धुलाई, है ना? तो उसका एंगर काफी ज्यादा था ब्रिटिशर्स के अंदर। एक और फोटो आप यहाँ पे दोस्तों देखो कि ये लायन जो है ब्रिटिश का लायन बंगाल टाइगर को कैसे अटैक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दो इसको, है ना? वैसे एक साइड में क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर टाइगर और लायन की लड़ाई हो जाए, है ना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो कौन जीतेगा? ये एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए कि टाइगर और लायन में से भारत का नेशनल एनिमल कौन है, ठीक है, राइट? और तीसरा क्वेश्चन भी ले लो इसके साथ साथ कि लायन जो है वो किस स्टेट में मिलता है, लायन जो है वो किस स्टेट में मिलता है इंडिया में। तीन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है समझने, स्पेशली अगर आप किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो। पहला क्वेश्चन तो नहीं, पहला क्वेश्चन तो थोड़ा खुद की नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको पढ़ते हैं दोस्तों। कैप्शन एट द बॉटम रीड्स ब्रिटिश लायन वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर, देख लो दोस्तों कि ब्रिटिशर्स का लायन है। वैसे ब्रिटेन में लायन होता है नहीं, ये आप पता करके मुझे बताओ, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ब्रिटेन में लायन होता है या नहीं, मुझे भी नहीं पता दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, शायद होता ही होगा तभी लिखा है ना। पंच है ना, पंच में छपा ये 1857 में कि ब्रिटिश लायन बंगाल टाइगर को
अच्छा खासा धूल चटाते हैं। अब देखो दोस्तों ये क्या है जो मैं पूरा डिस्कस करने पा रहा हूँ, ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए इतने आइडियाज। बट आइडिया इज द पिक्चर प्रोजेक्टिंग, या आइडिया के पिक्चर प्रोजेक्ट कर चाहिए, एग्रेशन है ना, बदलाव, व्हाट इज बीइंग एक्सप्रेस। ये देखो ये टाइगर ने भी किसी किसी को मारा है यहाँ पे, है ना, तो ये बदला लेने आए हैं, है ना, ये चीजें देखनी। व्हाट इज बीइंग एक्सप्रेस थ्रू द इमेजेस ऑन द लायन एंड द टाइगर। इसमें तो देख के देखो क्लियरली लग रहा है कि लायन जो है ज्यादा मार ही देगा टाइगर को, है ना, बचेगा ऊपर से आ रहा है ना, ये दिख ही रहा है ना लंबा थोड़ा सा। व्हाट डू द फिगर्स ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डिपिक्ट। तो वुमेन और चाइल्ड जो नीचे है ये क्या डिपिक्ट करती है, वुमेन और चाइल्ड को ये बंगाल टाइगर ने मार दिया है। तो देख लो वुमेन और चाइल्ड की पिक्चर है, मैन की नहीं है यार, जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा था वुमेन का ऑनर है ना। अब दोस्तों एक टॉपिक पे आ जाते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द टेरर। ये आपको थोड़ा सा ये अब आपको गुस्सा दिलाएगा, लेकिन ये अब इन पिक्चर्स को देख के आप समझना कि ब्रिटेन में गुस्सा नहीं होगा लेकिन भारतीयों में बहुत गुस्सा होगा। इसको देखो, द अर्ज फॉर वेंजेंस एंड रेट्रीब्यूशन वाज एक्सप्रेस्ड इन द ब्रूटल वे इन विच द रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड, राइट, दे वर ब्लोन फ्रॉम द गन्स। मतलब तोप लगाते थे और उड़ा देते थे, ये तोप लगी और यहाँ पे बंदा है उड़ा दिया ऐसे, और हैंग फ्रॉम द गैलोज, तो मतलब पब्लिकली हैंग कर देते थे। इमेजेस ऑफ दीज एग्जीक्यूशंस वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स। तो पूरे जर्नल्स में ये इमेजेस स्प्रेड कर दिए, देखो यहाँ पे ओपनली एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं हमारे मतलब कह सकते हो भारतीय सोल्जर, है ना, तोपों के थ्रू यहाँ तोपे लगी हुई है। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखो, ये सोल्जर्स भी खड़े थे, ये सोल्जर्स इसलिए खड़े में कि ये कभी भी हमारे खिलाफ बगावत ना करें, है ना, ये भारतीय सोल्जर ये मैक्सिमम, ये कभी भी हमारे खिलाफ बगावत ना करेंगे। देखो तोपे हैं, है ना, तोपे, ठीक है दोस्तों, तोपों के सामने उनको बांध दिया। सो एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स ये पेशावर में हो रहा है, पेशावर पहले भारत का एक पार्ट था तो पता ही है, पाकिस्तान के अंदर है अभी तो ये। तो एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स इन पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स, जो लंदन न्यूज में छपा है 3 अक्टूबर 1847 को। द सीन ऑफ एग्जीक्यूशन हियर अपीयर्स टू बी अ स्टेज वेयर अ ड्रामा इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड एनएक्टमेंट ऑफ ब्रूटल पावर। ब्रूटल पावर, देखो पावर दिखाना भी होता है, डराना भी बहुत जरूरी है ना, अगर आप पावर के पर्सपेक्टिव से सोचो। माउंटेड सोल्जर्स एंड सिपाहीज इन यूनिफॉर्म डोमिनेट द सीन, दे हैव टू वॉच द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर फेलो सिपाहीज एंड एक्सपीरियंस द चिलिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ रिबेलियन। ठीक है, तो इसको देखने के बाद किसी भी सिपाही की हिम्मत नहीं होगी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर पाए, है ना, ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। लेकिन आगे चल के जब गांधी जी आएंगे तो ये सोल्जर्स भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देंगे, ठीक है। तो काफी सालों तक तो कोई बगावत नहीं करी, ये अंग्रेजों के लिए फायदेमंद तो रही, है ना। उसके बाद ये एक और पिक्चर देखो, ये 12 सोल्जर्स को हैंग करा जा रहा है यहाँ से, ये भी एक देख रहे हैं, सोल्जर्स यहाँ पे हैंग हो रहे हैं ना दोस्तों। एग्जीक्यूशन वहां पे तोप उड़ा रहे थे, यहाँ पे हैंग कर रहे हैं पब्लिकली। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनस सिपॉयज इन पेशावर इलस्ट्रेटेड अगेन इन लंदन न्यूज। यहाँ पे क्या है, इन द सीन एग्जीक्यूशन ऑफ 12 रेबल्स हैंग इन अ रो विद कैनन्स ऑल अराउंड देम, व्हाट यू सी इज नॉट रूटीन पनिशमेंट। ये रूटीन पनिशमेंट नहीं है दोस्तों, इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। यूजुअली ये नहीं होता था दोस्तों, देखो अंग्रेज से बदमाश संभाल ले, लेकिन यूजुअली वो पीछे हैंग करते थे, ये चीजें वो फॉलो नहीं करते थे, ये चीजें जो थे इनह्यूमन एक्ट है, ये डराने के लिए टेरर, हमारे खिलाफ बगावत मत करना 1857 जैसा कुछ मत करना। देखो 1857 के बाद अगला जो थोड़ा आपको मेजर दिखेगा वो 1905 के बाद 1907 तक स्वदेशी आंदोलन दिखेगा कुछ। इतने सालों तक तो कुछ हुआ नहीं, 50 साल तक कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा, आपको कुछ याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में। हाँ छोटा मोटा हो गया, रेवोल्यूशनरी एक दूसरे को गोली मारती, लेकिन कुछ बड़े लेवल पे आपको कुछ नहीं दिखने वाला। उसके बाद भी 1905 से 1907 में से कोई वायलेंस वगैरह कुछ नहीं थी, हार्डली कोई कोई वायलेंस नहीं। उसके बाद भी आप देखो तो जलियांवाला बाग हुआ, तब भी भारतीयों ने कुछ नहीं करा। तो ठीक है, चौरा चौरी आप कह सकते हो कि 1922 में चौरा चौरी करके हुआ, जिसमें गोरखपुर के एक जिले में आग लगा दी कुछ लोगों ने और कुछ पुलिस वाले मर गए, लेकिन 1857 जितना बड़ा तो कुछ नहीं हुआ, है ना। तो मैं इम्पैक्ट समझाना चाह रहा हूँ, फिर 1930 के आसपास आपको देखिएगा वो हो रहा है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, मतलब लड़ाई वड़ाई कुछ ज्यादा वगैरह नहीं हुई। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, ये मैं मान सकता हूँ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें मैं मान लूंगा कि हाँ यार इसमें काफी ज्यादा वायलेंस हुई। लेकिन आप देखो कि चलो मैंने मान लिया कि स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन में थोड़ी वायलेंस हुई, लेकिन 50 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। उसका फेयर ये जो है ना, ये पिक्चर्स में जगाया है ना दोस्तों। और ये फोर्सेस तो हमेशा ब्रिटिशर्स के साथ थी, एक्सेप्ट क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट में ऐसा हुआ कि फोर्सेस जो हो गए
वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, रॉयल फोर्सेस मतलब भारतीय सोल्जर, भारतीय ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो देखो ये है, फॉर इट टू इंस्टिल फियर अमंग पीपल पनिशमेंट कुड नॉट बी डिस्क्रीटली मेटेड आउट इन एनक्लोज्ड स्पेसेस, इट हैड टू बी थियोरेटिकली परफॉर्म इन द ओपन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ओपन में परफॉर्म करेंगे, हम ओपन में मारेंगे, छुप के नहीं मारेंगे, जिससे बिल्कुल फेयर चाहते हैं। अब ये नॉट टाइम फॉर क्लेमेंसी, एक और पर्सपेक्टिव है, हमें देखना होगा। लॉर्ड डलहौजी 1856 तक गवर्नर जनरल थे भारत के, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, एंड ही वॉज फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, वैसे तो लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। बट लास्ट गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर जनरल वर्ड ही बदल गया 1857 युद्ध के बाद, 1858 में एक्ट आया और जो चीजें आई, तो फर्स्ट वॉइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और जो 1857 की क्रांति हुई वो लॉर्ड डलहौजी के शासन में नहीं, लॉर्ड कैनिंग के शासन में हुई, लेकिन गलतियां लॉर्ड डलहौजी करके गई, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ये दिखाए गए हैं और ये एक भारतीय सोल्जर है, ठीक है, और इसके बारे में पढ़ेंगे क्या दिखाया। तो देखो गवर्नर जनरल जो कैनिंग थे, ही डिक्लेयर्ड दैट अ गेस्चर ऑफ लीनियंसी एंड अ शो ऑफ मर्सी वुड हेल्प इन विनिंग बैक द लॉयल्टी ऑफ द सिपाहीज एंड ही वाज माउंटेड इन द ब्रिटिश प्रेस। देखो लॉर्ड कैनिंग थोड़े से फॉरवर्ड लुकिंग इंसान थे और एक सीनियर पोस्ट पे जो इंसान है वो ऐसे ही सोचेगा। लॉर्ड कैनिंग का मतलब ये था, देखो जो हुआ वो हुआ, 1857 में रिवॉल्ट हुआ, हमने इसको कुचल दिया और हमने काफी भारतीयों को मार दिया, अब इतना मारना जरूरी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी लीनियंसी हमें बरतनी चाहिए, थोड़ी हमें मर्सी देनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए सोल्जर्स, इससे हमारा फायदा होगा कि हम उनके दिल जीत पाएंगे, उनकी लॉयल्टी जीत पाएंगे भारतीयों की, और हम शासन भी इजीली कर पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये बोला तो ब्रिटिश प्रेस नाराज हो गई, ऐसे कैसे भाई, उन्होंने हमें मारा, आप अच्छे से बतला लो, एक एक सिपाही से एक एक सिपाही को मारना। इन वन ऑफ द कार्टून्स पब्लिश्ड इन द पेजेस ऑफ पंच, एक ब्रिटिश जनरल था, ऑफ कॉमिक सटायर, कॉमिक सटायर मतलब एक सरकास्टिकली जो बातें करते हैं, कैनिंग इज शोन एज लूमिंग फादर फिगर, ये देखो एक लूमिंग फादर फिगर कितना शो कर रखे, विद हिज प्रोटेक्टिव हैंड ओवर द हेड ऑफ अ सिपाही, ये सिपाही है हु स्टिल होल्ड्स एन अनशीथ्ड स्वॉर्ड, स्वॉर्ड और ये देखो लेके बैठे हुए हैं, डैगर इन द अदर, बोथ ड्रिपिंग विद ब्लड एंड इमेजरी दैट रिकर्स इन अ नंबर ऑफ ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफ द टाइम, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग को दिखा रहे हैं कि भाई वो सिपाही को बोल रहे हैं कि सिपाही को क्या बोल रहे हैं वो, देखो ये बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। इन वर्ड्स को याद रखना और एग्जाम में लिख के आना अगर इस पे क्वेश्चन आए तो। ये 24 अक्टूबर 1857 को पंच में छपा था, कैप्शन एट द बॉटम ऑफ द कार्टून रीड्स, मतलब ये जो लिखा है ना उसको बड़ा करके देखोगे, गवर्नर जनरल वेल दे शैंट ब्लो हिम फ्रॉम नास्टी गन्स बट ही मस्ट प्रॉमिस टू बी अ गुड लिटिल सिपाही, मतलब इसको लिटिल भी बना रखा है कि मतलब हम तेरे को माफ कर देंगे बट तू प्रॉमिस कर कि तू अच्छा सिपाही बन के रहेगा। तो मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक तो इसके हाथ में तलवार है जो हमारे खून से रंगी हुई है और उसी को माफ कर रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, और बोल रहे हैं कि तू अच्छा अच्छा बच्चा बन के रहिए, है ना, ऐसा काइंड ऑफ दिखाना चाह रहे हैं, सरकास्टिकली ये दिखाना की कोशिश की गई है। तो मतलब अगर मतलब सिंपली बताया जाए तो ब्रिटिशर्स इससे खुश नहीं है कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो माफी दे रहे हैं उनको, बल्कि बता लेना चाहिए। अब ये नेशनलिस्ट इमेजरीज का आ जाते हैं जो ज्यादा वैसे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखेंगी। और नेशनल मूवमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया कि 1857 के युद्ध को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वीर सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी इसकी काफी बात करते थे, महात्मा गांधी भी काफी बात करते थे, आगे चल के काफी मोटिवेशन मिला 1857 के रिवॉल्ट में, है ना, आज भी हम इस युद्ध को याद करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के अराउंड आप देखोगे एक और चीज की भारत में नेशनलिज्म भी जागेगा, ठीक है। इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द इंपीरियल रूल। देखो सारे सेक्शंस आए हो या ना आए हो, लेकिन एक इमेज तो इसने क्रिएट करी कि हाँ जी ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, मतलब ऐसे दिखा के क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है ना, भले ही जैसे फॉर एग्जाम्पल मद्रास ले लो या बॉम्बे के एरियाज ले लो, बॉम्बे मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी, उनके एरियाज को ले लो, उन्होंने पार्ट वगैरह कुछ नहीं लिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पंजाब ने कोई पार्ट वगैरह नहीं लिया इसमें ये जो है, लेकिन उनको भी बोल दिया गया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही भारत के लिए है ना,
और पूरे भारत सारे सेक्शंस जो थे वो साथ आ गए थे, जबकि सारे सेक्शंस नहीं आए थे। लेकिन एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी इसने प्रोवाइड करा कि देखिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ये आगे चल के बोला गया। ये जो पॉइंट है ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर आप किसी सीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी हो गया या एमए हो गया, बी हो गया, वहाँ पे क्रिटिकली करके पूछा जा सकता है कि ये क्या सच में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले वो थोड़े यूजफुल है उसके लिए, ठीक है कि हाँ जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे थी, कि लार्ज आप उसमें पहले तो बता देना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हो सकती है। ठीक है, जब भी क्रिटिकली पूछा जाए तो दोनों साइड में आपको आंसर लिखने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है पहले तो जस्टिफाई करो कि कैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, देखो भाई लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया, पीजेंट जमींदार है ना, सिपॉय सबने, फकीर हमने देखा था वो फकीर पंडित है ना, उसके बाद आप कह देना ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी क्योंकि पूरे भारत में तो फर्स्ट वॉर, पूरे भारत में वो फाइट करी ही नहीं। उसके बाद इंडिपेंडेंस क्या, इंडिपेंडेंस किससे ले रहे थे, राइट। उसके बाद सारे सेक्शंस तो थे नहीं साथ, ऐसी चीजें भी आप लिख देना और जिससे दोनों साइड का आंसर हो जाए। और फिर एंड में थोड़ा सा कंक्लूजन कर देना कि इट माइट नॉट बी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट इट गिव मोटिवेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ऐसे करके आप एंड कर देना। तो ऐसे आंसर हमें लिख देना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि नेशनलिस्ट को आगे चल को मोटिवेट करा, भले ही कोई चेन्नई का, उसमें मैं तो वैसे मद्रास था, मद्रास का नेशनलिस्ट हो, भले ही वो केरल का हो, भले ही वो बॉम्बे का हो, गोवा का हो, वो मोटिवेट किया। गोवा वर्ड थोड़ा हटा देता हूँ, गोवा तो वैसे बाद में आजाद हुआ था है ना 1962 में, तो हमें वर्ड्स भी थोड़े टेक्निकली यूज करने चाहिए। 1962 में हुआ था, कब हुआ था, चलो इससे एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि लिखो गोवा कब आजाद हुआ, गोवा कब आजाद हुआ और भारत का पार्ट बना। पॉइंट ये मेरा दोस्तों कि 1857 के रिवॉल्ट ने सबको मोटिवेट कर, सबको। रानी झांसी की स्टोरी तो हम भी पढ़ते हैं, अभी कंगना रनौत की मूवी भी आई थी है ना, रानी झांसी वाज रिप्रेजेंटेड एज अ मैस्कुलिन फिगर चेसिंग द एनिमी, इसलिए ब्रिटिश सोल्जर्स वैलिएंटली फाइटिंग टिलर लास्ट, चिल्ड्रन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रू अप रीडिंग द लाइंस ऑफ सुभद्र कुमारी चौहान है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन शी फॉट, शी वाज द रानी ऑफ झांसी। तो इसको याद रख लो, हिंदी में लिख के आना इसका, ठीक है, हिंदी में लिख के आना, भले ही आप पे इंग्लिश में पेपर हो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो ऐसे करते हैं थोड़ा सा, मैं भी अच्छे से बता नहीं रहा हूँ, लेट मी क्लियर इट आउट, खूब लड़ी मर्दानी वो, ऐसे नहीं करते, वो तो पढ़ना चाहिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी रानी वाली, वो तो झांसी वाली रानी थी। सॉरी फॉर रिपीटिंग एंड डूइंग इट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, आई होप आपको भी क्लियर हो गया हो कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी रानी वाली नहीं, झांसी वाली रानी थी है ना, जो मैं बार बार गलती कर रहा था, झांसी रानी वाली कर रहा था। तो यही आपको एग्जाम में भी लिख के आना है बिल्कुल करेक्ट वे में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इंग्लिश में मत लिख के आना, इंग्लिश में इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे क्या होता है दोस्तों 0.5 से 1 मार्क बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। और ये पोस्टर देखिए, फिल्म्स एंड पोस्टर हैव हेल्प्ड क्रिएट द इमेज ऑफ रानी झांसी बाई एज अ मैस्कुलिन वैरियर, मैस्कुलिन मतलब उनको एक मर्दों की तरह दिखाया गया है ना, कि शी वॉज द ओनली मैन अमंग ऑल सोल्जर्स, ऐसे भी करके दिखाया गया। और ये कौन दिखाए गए हैं ये आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ये कौन, ठीक है। तो ये देखो सारे सोल्जर्स से लड़ रहे हैं, तो ये इमेज भारत में भी काफी प्रचलित की गई और रानी लाल झांसी भाई ने काफी फायदा काफी मोटिवेट किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस ने जब आगे युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने वुमेन को हायर करा था, वुमेन काफी फॉरवर्ड लुकिंग थे, सुभाष चंद्र बोस काफी फॉरवर्ड लुकिंग थे उस टाइम में भी, उन्होंने जो अपनी फोर्स में हायर करा वुमेन को, उस वुमेन कंटिंजेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई कंटिंजेंट के नाम पर ही रखा गया था, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये सब चीजें थी दोस्तों, तो हमें भी आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर में हमें मेमोरीज जो है अभी तक रिमेम्बर की गई है, राइट, अभी तक हम इसको याद करते हैं, तात्या टोपे को याद करते हैं है ना, उसके बाद बेगम हजरत महल को याद करते हैं, ऐसी काफी काफी हीरोज हैं, और भी आप और भी काफी हमने हीरोज यहाँ पे देखे, शामल देखे, कुंवर सिंह देखे बिहार में है ना, राइट। तो दोस्तों ये है, या आई थिंक ये सब हो गया। यहाँ पे मेन टॉपिक है ये जो बताना चाह रहे थे नेशनलिस्ट पोएट्री में, वो बताना चाह रहे थे अबाउट रानी लक्ष्मीबाई ओनली।
लेकिन इस चीज को आप जरूर याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट चलेगा 20वीं सदी में, 20वीं सदी में जो गांधीयन मूवमेंट चलेगा, स्वदेशी मूवमेंट चलेगा, है ना, उसमें जो 1857 के इवेंट्स हुए उससे काफी मोटिवेशन मिला, उसकी 50वीं बरसी पे, है ना, ऐसे करके काफी काफी मोटिवेशन मिला। और ये भी पता चला कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। मैं अब आपको ये कंक्लूजन रीड आउट कर रहा हूँ। द इमेजेस इंडिकेट हाउ द पेंटर्स हु प्रोड्यूस देम परसीव दोस इवेंट्स। तो एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि काफी बार जो पेंटर है वो कैसे समझ रहा है उस इवेंट को, उस पर भी काफी डिपेंड करता है कि पेंटिंग कैसी बनेगी, व्हाट दे फेल्ट एंड व्हाट दे सॉट टू कन्वे, और वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। दो द पेंटिंग्स एंड द कार्टून्स वी नो अबाउट द पब्लिक that looked at the paintings appreciated or criticized the images, bought copies and reproductions to put up in their homes. Through the paintings and cartoons we know about the public that looked at the paintings appreciated or criticized the images, bought copies and reproductions to put up in their homes. So hume through the paintings we know about the public jo paintings ko dekh rahi hai na. These images did not only reflect the emotions and the feelings of the times in which they were produced. ये इमेजेस पेंटिंग्स जस्ट इमोशंस और फीलिंग्स को नहीं बताती, ये सेंसिबिलिटीज को भी बताती है। फेड बाय द इमेजेस दैट सर्कुलेटेड इन ब्रिटेन द पब्लिक सैंक्शन द मोस्ट ब्रूटल फॉर्म्स ऑफ रिप्रेशन ऑफ द डिफेक्ट। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक जो थी वहां पे पूरा जो मोस्टली कन्वे करना चाह रहे हैं दोस्तों, कि ब्रिटिशर्स ने पूरी ब्रिटिश की पब्लिक, पूरी ब्रिटिश पब्लिक साथ में थी विद ब्रिटिश सोल्जर्स, विद ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंडियंस पे सख्त से सख्त सजा दो, अच्छे से उनकी पिटाई करो और वो कभी हम खड़े ना हो पाए, ठीक है। तो पूरा सैंक्शन करा ब्रिटिश। अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि ब्रिटिश उस टाइम में क्यों नहीं साथ दिया, है ना, ब्रिटिशर्स ने पढ़े लिखे थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उन्होंने क्यों नहीं साथ दिया कि हमें कि भारतीयों के साथ ऐसा ना किया जाए, क्यों, क्योंकि ये पेंटिंग में जो इम्पैक्ट कि हमारे साथ अगर आप बुरा करोगे ब्रिटिशर्स के साथ तो आपके साथ हम भी बुरा करेंगे। ऑन द अदर हैंड नेशनलिस्ट इमेजिनरीज, ये भी हमें याद रखना होगा, ऑफ द रिवॉल्ट हेल्प शेप द नेशनलिस्ट इमेजिनेशन। तो हमारे नेशनल मूवमेंट में नेशनल जो इमेजिनरीज थी, जो लिमिटेड थी भले, लेकिन उन्होंने भी काफी काम, काफी हेल्प करा, इस स्टोरीज ने भी काफी हेल्प करा इन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका आंसर आप लोगों को दोगे, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द विजुअल्स इन दिस सेक्शन and discuss how they allow you to identify the perspective of the artist. तो मैंने भी आपको काफी सारे perspective दिए। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड कर दूं कि आप ब्रिटिशर बनो फिर आंसर लिखो, फिर इंडियन बनो फिर आंसर लिखो, है ना दोस्तों, और फिर यहाँ पे discuss how they allow you to identify the perspective of the artist. तो artist का perspective से, तीन perspective से जो जो हमने images पढ़ी है यहाँ पे, उन सबके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उनको रिव्यू करूंगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक टॉपिक और रह जाएगा यहाँ पे, जो क्रोनोलॉजी में, क्रोनोलॉजी का टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।